देते हैं, औरंगजेब देते हैं, कभी कौन देता है, कभी कौन देता है, आपके पास आप तो बिल्कुल कंफ्यूजन का शिकार हैं। यू डोंट नो वे यू आर गोइंग एंड व्हेन एज दे से व्हेन यू डोंट नो वे यू आर गोइंग भी जाते हैं जाएं, लेकिन पाकिस्तान को अभी वक्त है आपका जी, वक्त है हेवंस में जाने का। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि आप ने जिस तरह से कभी कोई प्लान आ जाता है, कभी सब्सिडरी अनाउंस हो जाती है, फिर रिवोक किया जाता है। आईएमएफ का प्रोग्राम है, इट्स गॉन फॉर अ सिक्स, हमें नहीं पता, हमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब बताएं कि किस तरह से ये क्यों टैक्स वो क्यों पूरा नहीं हो रहा, टारगेट पूरा नहीं हो रहा, और वो इकोनॉमी को किस तरफ ले जाएंगे। आया ये मुल्क सिर्फ कर्जों पे चलेगा? इस मुल्क में हर चीज इस वक्त कर्जे पे चल रही है, और दूसरी तरफ आपने सारी चीजें मरकूज की हुई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को किस तरह से आपने परसिक्यूट करना है, किस तरह से इनकी परसिक्यूशन करनी है आपने, ये सारे आपने वसाइल लगाए हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंटेन करने में। अब ऐसी सूरत हाल में, जबकि मुल्क में महंगाई का बुरा हाल हो, जिसमें कि आप देते रहें फिगर्स, देते रहें कि जी इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट हो गई है, ये हो गया है, हमारे रिजर्व्स इधर हो गए हैं, हमारा ये इधर से लोन मिल जाएगा, उधर से लोन मिल जाएगा, हम ये कहते हैं, हम जी मैं बैंकर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि बैंकर का काम होता है कर्जा मांगना और कर्जा देना, कर्जा देना नहीं तो आपको प्लीज नो क्रॉस टॉक, प्लीज नो कर्जा मांग रहे हैं। मिनिस्टर आपको जब भी मौका चाहिए वो दे देंगे, आप अपनी थोड़ा सा वाइंड अप कर लें। देखिए हमारा आज बहुत प्राइवेट मेंबर्स, कोई नहीं है, वो जल्दी से हो जाएंगे, वी हैव सीन द बिल्स, कोई इशू नहीं है, ये तो उन्होंने बात की है। अब देखिए मुझे बोलने दें बिकॉज देखें बात ये कि आप फिर भी टस से मस नहीं होते, ठीक है ना। अच्छा बात ये, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मुझे मालूम है, गुजारिश है, मुझे मालूम, देखें मैडम चेयरपर्सन, मुझे मालूम है, आप बाद में कर, अगर मैं आपकी पोजीशन में बैठा होता या मेज साइड पे बैठा होता तो मैं भी बड़ा शर्मिंदा होता। ये एक हकीकत है कि देखें आपको पता है जी कि मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क इस वक्त इंस्टीट्यूशनल मेल्टडाउन में है, मुल्क इंस्टीट्यूशनली डिसफंक्शनल हो गया है, और ऐसी सूरत में है, मैं तो कहता हूं कि आई डोंट ब्लेम द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, हिज चॉइसेस आर लिमिटेड, बल्कि ही डजंट हैव एनी चॉइस, बट आपके पास जो कर्जा लेने की कैपेसिटी है वो भी आपके पास नहीं है। आप बस 40 साल हुकूमत आपने की और हम कर गए हैं 32 महीनों में इस मुल्क का बेड़ा गर्क। ये तो पिछले 2 साल से जो आपने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है वो इसलिए कि आप मुल्क के हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं। आप लोग दो नंबर तरीके से आपने इलेक्शंस जीते हैं या जितवाए गए हैं। आप जो है तो ट्रिब्यूनल्स की बात करें, हमें करनी चाहिए यहाँ पे डिबेट मैडम चेयरपर्सन कि क्या वजह है कि 6 महीने हो गए हैं और आज तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पे कोई फैसला नहीं आया। बात यह है कि सिर्फ इस वक्त गिनती कम की जा रही है, और इसी तरह जो कवानीन पास हो रहे हैं वो आवाम के खिलाफ कानून साजी हो रही है यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि वो लोग जब वोट करें उनका अलहदा रिकॉर्ड में होना चाहिए। हम रूल्स में चाहेंगे कि अमेंडमेंट हो, और वो लोग जो मुखालिफत करते हैं वो खड़े होकर मुखालिफत करें, और जो वोट दे रहे हैं वो खड़े होकर वोट दें कि पता चले कि कौन कहाँ पे खड़ा हुआ है। मैं आई एम श्योर कि वहाँ पे भी कोई बाज़मीर लोग हो सकते हैं, हमारी तरफ भी कोई बेज़मीर हो सकते हैं, तो इसलिए इसको वो करने के लिए हम लाएंगे, और हमारी रिक्वेस्ट है हाउस से किसी को इस पे नहीं होना चाहिए कि हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। बाकी मेरी रिक्वेस्ट आखिर में यही है कि मैं फिर आपसे अपील करता हूं, देखिए ना ना में भी आप सियासी जमाते हैं, आपको चाहिए कि ऐसे कानून बनाएं जो कि कल आपके गले ना पड़े, क्योंकि आप उसको फिर संभाल नहीं सकेंगे। हम तो
अब इतने सताए गए हैं कि हम अब यूज्ड हो गए हैं, लेकिन ये बात हमारी नहीं है, ये मुल्क के 25 करोड़ आवाम की बात है, उनकी वेलफेयर की बात है, उनके फ्यूचर की बात है, शुक्रिया, जो कि इस वक्त सीरियसली कंप्रोमाइज हो गया है, शुक्रिया, अंडर दिस फेक गवर्नमेंट। दूसरे मेंबर्स को भी इजाजत दें। ठीक है, मैं नहीं, आई एम रिप्रेजेंटिंग पोजिशन, आपने टाइम हटा दिए कि मुझे पता तो चलता कि मैंने कितनी बात की, पता नहीं टाइम क्यों हटाया हुआ, बिकॉज दे नहीं, मेरे लिए तो बड़ी क्लॉक चलती थी। नहीं, आप बता दें कि जी कितने मिनट बोले हैं, मेरे लिए तो, और वो रूल भी बता दें जिसके तहत लीडर ऑफ द अपोजिशन 5 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर सकता। नहीं, किसने कहा, आप 15 मिनट से तो बात कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि एग्जैक्ट बता दें आप कि कितनी, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाबंदियाँ जो कि लगाई गई हैं, कंटेनर्स जो लगाए गए हैं, ये जो इलीगल एक्टिविटी गई है जिसको के कवर नहीं करता था ये वाला बिल, ये कवर नहीं करता था, और सारे पंजाब में, इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगाए कि लोग जा न सकें, लेकिन वहाँ पे भी आपको जिस तरह 8 फरवरी को, आप रिपीट कर रहे हैं, 8 फरवरी को जो आवाम ने फैसला दिया था, 8 सितंबर को, मेरा ख्याल है 8 का सिफर हिंसा आपको रास नहीं आता, आप इसलिए कोशिश करें थैंक यू कि ऐसे लॉज ना पास करें जिसमें कि आपको नदामत हो।